आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मजे में हूँ। तो आज मैं तेरे को मसाला लगाने लगी हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मेरे पास है 9 kg 9 kilo फिश है, तो ये सारे मसाले हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो आप लोग सारी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं डालती हूँ, ये है मेरे पास लहसुन, लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मेरे पास 9 kilo फिश है, तो मैं उस हिसाब से मैंने ये लिया है। और ये जितना ज्यादा होगा फिश उतनी ही अच्छी बनेगी। और इसमें है हरी मिर्चों का और अदरक का पेस्ट, वो भी इसमें डाल देंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें काफी अदरक है। फिर इसमें जाएगा गरम मसाला, थोड़ा सा आएगी आधी चम्मच। फिर इसमें जीरा पाउडर जाएगा, भुना और कुटा हुआ जीरा पाउडर। नमक इसमें 1/2 teaspoon, वो इसलिए क्योंकि जब फिश आई थी तो मैंने साथ ही इसको नमक लगा दिया था, तो नमक ज्यादा नहीं हम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हम ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। और उसके बाद ये चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, ये हम हाफ डालेंगे, हाफ में डालेंगे। ये है मेरे पास मछली का मसाला, ये शान का डिब्बा मैंने मंगवाया था, उसमें से आधा मैंने लिया है। और ये है मेरे पास अजवाइन, ये है मेरे पास 4 अदद मैंने लेमन लिए थे उसका जूस। और ये है मेरे पास इमली का पल्प, ये भी हम सारा ऐड करेंगे। और इतना अच्छा मसाला लगता है ना, क्या बाजार वाली फिश भूल जाएंगे। ये सारी चीजें तो घर पे मौजूद होती हैं, तो इसलिए इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा मसाला लग जाएगा इसको एक जैसे। और ये जो मसाला बच जाएगा वो आप किसी भी बॉक्स में किसी भी डिब्बे में डाल के रख दें, और जब नेक्स्ट टाइम आप फिश मंगवाएंगे तो आप इसको फिर अगेन से लगा सकते हैं। ये मसाला आप 1-2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। जी अभी हम जा रहे हैं बाहर, अली ने अपने शूज लेने हैं। जैफा कितना टाइम है आपको? ये देखिए बच्चा पार्टी रेडी हो गई है। कॉइन्स कहाँ रखने लगे हो? चले चले मानो ये बॉस, चले बॉस, चले बॉस, एक बड़ी बॉस वाली शर्ट भी है। चलो जी अब नीचे उतर। नहीं ऐसे ऐसे साइज मानो पीछे पता चलता है। तो यहाँ
फेशियल के हम शूज़ चेक कर रहे थे, उसको पहना के चप्पल वगैरह देख रहे थे, जो अच्छा लगा फिर हमने वो सिलेक्ट किया। इसके बाबा को बेबी पिंक अच्छा लगा था और मुझे भी लगा। इससे भी लगी भी मेरून ये वाला मिल तो चले जी, मैंने तो अपना सूप ऑर्डर कर दिया और अली अपने शूज देख रहे थे, तो ये तंग कर रही थी, तो मैं अब सूप पीने वाली हूँ। मेरा गरम गरम सूप आ गया, मैं पीने लगी और ये शैतान जो है ना नाराज हो गई है। तो चले जी, मैंने यहाँ पे अपना सूप इंजॉय किया है। इधर शॉप्स पे ये है हॉट एंड सूप और इसको रोना पड़ा हुआ है कि मैंने कैमल पे बैठ ना बिठाऊं तो वो है उधर कैमल। कहाँ बैठने लगी हो? कैमल तो वो है, कैमल के ऊपर बैठो ना जाके। चले जी, अब हम कैमल की सवारी करने लगे हैं। कैमल वो आ रहा है पर वो लाइट की वजह से नजर ही। चले जी, कैमल चल पड़ा है। फर्स्ट टाइम मैं बच्चों के साथ बैठी हूँ कैमल की, इन्होंने ट्रॉली बनाई हुई है और ये देखिए सेल्फी ली जा रही इधर। बढ़िया आ रही है बॉबी तो ना, बहुत प्यार आ रहा है दूसरे को, प्यार आ रहा है। फोन आ गया, कैमल की सवारी कर रहे हो, इसको तो वही गेस तो फोन सूप पीना मेरा अजाब कर दिया था। तो फाइनली बच्चे खुश हो गए, कैमल चल पड़ा है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा उठाया। तो मैं अब 6 घंटे हो गए इसको मैरिनेट करके रखा था और यहाँ पे मैंने केचप वगैरह दही और मूली काट ली है और ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। घी ले लें, ऑयल ले लें, मैंने घी लिया है और ये हल्की फ्लेम पे ना, स्लो फ्लेम पे मैं इसको गर्म करूँगी, फिर इसमें मैं फिश डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने फिश डाल दी है कढ़ाई में। जब ये देखें लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो आप फिश को निकाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसकी खुशबू देखो अच्छी अच्छी आ रही है। तो ये देखिए, ये है माशाल्लाह से फाइनल लुक फिश की और ये साथ में दही, केचप, चटनी और मैंने नान मंगवा लिए थे और ये मूली अली खाते हैं शौक से। नहीं, मैं फ्री हो गई थी खाना वगैरह खा के, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ हमने शॉपिंग की थी बाजार में। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे शूज़ लेके दिया है, लेकिन मैं आपको इसमें से निकाल के दिखाती हूँ। ये जूती उन्होंने मुझे लेके दी है मेरे हस्बैंड ने,
ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो चॉइस मैंने इस ब्रांड की है। और ये हमने लिए थे ईशल के, ईशल के पाँव पर बहुत ही है ना ईशल, मुझे तो ये चप्पल बहुत ही अच्छी। तो ये हमने लिए थे ईशल मानो के, तो एक हमने शूज लिए थे जैफा के, ये डिज्नी शॉप वालों से हमने लिए थे, मॉल के हम गए थे तो वहाँ से। तो ये थे जी जैफा के शूज़, जैफा के पाँव में ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे और इसके पापा को भी बहुत अच्छे लगे, तो फिर हमने जैफा के लिए ये ले लिए, मानो की ये जूती ले ली और फिर मेरे ये लिए, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने लिए भी लिए थे शूज़। जी बेटा, तो ये लिए हैं जी मेरे हस्बैंड ने अपने लिए डेली यूज़ में पहनने के लिए, उन्होंने शॉप पे जाना होता है तो फिर शलवार कमीज़ के साथ वो कंफर्टेबल शूज़ मांग रहे थे और ये काफ़ी अच्छा था इसका सोल वगैरह, तो उन्होंने ये ले लिए। तो बस फिर आज ये शॉपिंग की थी शूज़ वगैरह, जैकेट्स लेनी थी पर बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, तो अब हम फिर जाएंगे नेक्स्ट संडे जाएंगे या फिर हो सकता है एक दो दिन तक हम जाएँ। तो आपको ये तीनों शूज़ कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये अभी तक सोई नहीं है गंदी बिल्ली, ये जो आग रही है, मैं भी सोने लगी थी तो मैंने सोचा व्लॉग एंड नहीं किया, व्लॉग एंड कर देते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।